इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो हमारा? Are you serious? वाकई में इंडिया है? दुबई, न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ? दुबई हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। मैं अपने टीन एज में थी, पाकिस्तान काफी डेवलप था। ये कश्मीर के ऊपर हमारी दुकानदारी चलती है, ठीक है? चौधरी के सामने जो है ना, वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। क्या बोल दिया आपने? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम हम लेकर बैठा हुआ है। हर जुम्मे के खुतबे में एक बंदा दूसरे को कहता है जी तू काफिर। ऊपर वो बैठे चौकीदार फौजी, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। सब तो कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह अमेरिका चले जाए, पाकिस्तान छोड़ दे, पाकिस्तान छोड़ दे। भाई की कीमत क्या बता रहे थे? ये होगी अभी 2.5 लाख की होगी। साइज देख रहा है? साइज हाँ, अच्छा हाँ सर, तो वहाँ से मुझे सामान भेज दिया करो। तो कुछ मिला नहीं हम लोगों को जो चाहिए था। अच्छा, और आप बताएं कैसे, कितना तंग कर रही है ये सब आपको? बस कुछ चूजी हैं बच्चे, मतलब अपनी पसंद की चीजें ढूंढते हैं, हर चीज की तरफ नहीं मतलब जाते हैं। आपने वीडियो देखकर गेस करना है कि ये वीडियो कहाँ की है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें जी। दुबई, 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 न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ? ना ये दुबई है, ना न्यूयॉर्क है, ना यूएस है। लाहौर तो नहीं? देखिए कितना अच्छा जोक मारा, हम सब हंसे। तो क्या हमारा लाहौर भी तो बड़ा प्यारा है? अरे लाहौर में ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी रोड्स नहीं है ना। हो सकता है कोई फ्यूचर का कोई प्लान हो इनका। आपको लगता है फ्यूचर में भी लाहौर ऐसा हो सकता है? यार कतर लग रहा है फिर तो। आपको क्या लग रहा है? I have no idea. कोई लाइक हिंट वगैरह है कोई, लाइक कौन सा कॉन्टिनेंट में है? आप पहले ये बताएं ये जो भी सिटी है ये कैसा है? हाँ काफी अच्छा है। दुबई, आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही हाई स्काई लाइन्स एंड स्टफ ज़्यादातर दुबई में होती हैं, इस तरह की हाई स्काई लाइन्स और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये? दुबई नहीं है। बैंकॉक, बैंकॉक I guess. बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी हाई राइज आर्किटेक्चर है उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज। ये हमारा नेबर कंट्री है इंडिया। इंडिया नहीं, ये इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो हमारा? Are you serious? वाकई में इंडिया है? हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज आपको हिंदी में नजर ना आती तो आप गेस कर पाती है इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती, मुझे यही लगता है कि कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री है, दुबई या कोई यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे? जी ठीक। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप्ड नहीं है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीजन आया। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फर्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी, पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का कुछ ऐसा सीन नहीं था, मतलब बहुत बड़े बड़े बैंगलोर भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्वाइट चेंज है, बहुत। कब की बात कर रही हैं? लाइक यू कैन से इन 80s और 90s। जिनसे हम अलग हुए हैं, इस दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अलग क्यों हुए थे? इसी बेस पे हुए थे ना कि भाई वो तो हमें काम नहीं करने दे रहे, हम अलग हो गए, अपना पूरी दुनिया में नाम बना देंगे। वो जो भी फैक्टर्स थे वो हमारा ठीक है, वो नजरिया था जिसपे हम अलग हुए, ठीक है, और वो दो कौमी नजरिया जरूरी भी था, ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद जो कुछ हुआ है वो मुनासिब नहीं। मकसद पूरा हो गया? अभी तक भी नहीं हुआ और आगे होता नजर भी नहीं आ रहा। नेपर कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, यहाँ पे कीमतें हैं, फर्क क्यों है? यहाँ हमारे ऊपर वो बैठे चौकीदार फौजी, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, सारा कुछ वो नहीं, तो कंट्रोल जो मर्जी करे, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। वो सारी, जब सारा माल चोरी हो जाता है तो आवाम को रिलीफ कैसे मिले? बेहतरी की हमें कोई उम्मीद नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह अमेरिका चले जाए, पाकिस्तान छोड़ दे, पाकिस्तान छोड़ दे। पाकिस्तान से प्यार नहीं है? पाकिस्तान से प्यार है हाँ। पर हमारी आने वाली नस्लों को तभी तो देखे ना। कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? पेट्रोल 290 रुपए के लीटर हो चुका है। ठीक है, तो ईद कैसे गुजरेगी? गरीबों के लिए जो है कि कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा। अगर रिलीफ है
उमरा के लिए है बस। मेरे ख्याल 4 रुपए और कुछ पैसे यूरो बिजली बढ़ गई, बिजली भी बढ़ गई और पेट्रोल भी 10 रुपए बढ़ा 4-5 दिन पहले। इसे आप ईदी कह ले या फिर रिजर्व कह ले, लोगों को समझ आ गई बोलने का फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो होना वो होना ही है। बाइक की कीमत क्या बता रहे थे? ये होगी अभी 2.5 लाख की होगी, 2.5 लाख की, इससे ज्यादा है मेरे ख्याल से। लोग जहाँ से देख रहे हैं अपनी भी आप बताइएगा की जहाँ पे मतलब 125 या 150 सीसी जो बाइक है उसकी क्या कीमत है आपके वहाँ पे? वहाँ को ही कुछ करना पड़ेगा, जब तक वहाँ बाहर नहीं निकलेगी कुछ नहीं हो सकता। बाहर निकली थी पता क्या हो गया था? सर ये तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ये कश्मीर के ऊपर हमारी दुकानदारी चलती है, ठीक है, कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल आइटम हम सब कुछ बनाना है क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा जिसमें सुराख हुए हैं? वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें कागज़ की कश्ती है उसके ऊपर क्यों वो लगे? पहले था चांस की तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। चौधरी के सामने जो है ना वो चपरासी की कोई हैसियत नहीं होती। क्या बोल दिया आपने? हकीकत इंडिया की इकॉनमी 500 बिलियन डॉलर्स पे है, हमारी 4 भी नहीं है तो हमारे मिलियंस पे बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं, हकीकत कड़वी ज़रूर होती है लेकिन आप मुझे बताएं चौधरी के आगे कौन बोलेगा? दूसरी बात, पाकिस्तान से किसी को क्या फायदा है? क्या फायदा? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम है? पहले बताएं कि आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलूचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए 45% पाकिस्तान का रकबा बलूचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में पंजाब में जो कि जरखेज़ ज़मीन है यहाँ पे जरखेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है बलोचिस्तान, वहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें, बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, 7 करोड़ कमरा बना के उसको कैसे मैनेज करूँगी? हर जुम्मे के खुतबे में एक बंदा दूसरे को कहता है जी तू काफिर, सिंपल डेफिनेशन पढ़ो, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत, अब इबादत क्या है? उसका हुक्म मानना। उसने कहा है जी रोज़ा रखो, रख लिया, अब वो कोई भी रख रहे, आप रख रही हो मैं रख रही हूँ। पर जो बंदा अपने, चलो सारे हिंदू हो गए हैं अब वो 4 जाते हैं, जो अपने हिंदू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भाई, उनका साया पड़ जाए तो आप अछूत हो जाते हैं, आपके ऊपर गाँव मूत्र से आपको धोया जाता है, तब आप पाक होते हो, तो मुझे एक बात बताएं कि वो मुसलमान को कैसे बेर करेंगे? एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आपने बोला है आपने उनके जात पात पर बात की है, वो तो देखिए हमारे भी यहाँ 73 फ़िरके हैं, 73 से 74 फ़िरके हैं, हर फिरका एक दूसरे को काफिर 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 बोलता है। शिया सुन्नी की लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान में कितनी चल रही है, कत्लेआम हो रहे हैं यहाँ पर कभी कश्ती है वो किसान हैं इनके, ठीक है, जो वॉरियर्स होते हैं इनके और जो इनके लीडर्स होते हैं वो इनके कश्ती होते हैं। अच्छा हाँ, दिख रहा है फल का दुकान, ये माल्टा है, ये क्या है, ये ऑरेंज कलर का, इसको ऑरेंज ही बोलते हैं, तुम्हारे साइड माल्टा बोलते होंगे। अच्छा पंजाब में माल्टा बोलता है, ये ऑरेंज है, साइज दिख रहा है साइज? हाँ अच्छा हाँ सर। किलो किलो कितना है? किलो ये वाला 60 रुपए किलो है। ओ हमारे इधर जो है अभी तो खैर मौसम नहीं है, माल्टा तो अभी इधर नहीं मैंने देखा, लेकिन आएगा तो बहुत महंगा आएगा। ये सेब कैसे हमारे यहाँ पर 150 रुपए किलो है, ये सेब 120 रुपए के जी है, ये वाली सेब है ना 120 रुपए किलो। उधर कितना है पाकिस्तान में? उधर भी ऑलमोस्ट इधर भी इतना ही है। बनाना। हेलो भैया, केला कैसे है? केला ये वाला 4 रुपए मतलब 48 रुपए दर्जन ना? हाँ ये वाला 40 रुपए दर्जन ना, ये वाला। Oh my God, और यहाँ पर मैं कल लेके आई हूँ 200 रुपीज दर्जन। ये वाला 40 है, वो वाला दिख रही है ना, वो वाले तुम्हारा 30 रुपए है। बहुत सस्ता है यार वहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 200 रुपए चल रहा है। भैया अनार कैसे है? अनार 100 रुपए किलो है तुम्हारे, ये जो दिख रहा है ना अनार का साइज दिखाते हैं। 100 रुपए किलो?
हाँ एक यहाँ पे तुम्हें यहाँ से 350 भैया खजूर कैसे है, ये वाली खजूर कैसे है और वो वाली कैसे है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।